रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है, और बहुत नजदीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूंकि उसको काट काट के पहले एक मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 25 मीटर करीब अभी और निकलनी है, 25 मीटर से ज्यादा है। तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी, और निकलने के बाद उसके बाद मैन्युअली उस पर आगे बढ़ेंगे, और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है, उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं, वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए, हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, सभी स्वस्थ भी हैं, तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं। और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है, वो भी शाम तक जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा, और रात तक यहां पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम भी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो, और आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है सभी का यहाँ पर, और मैं ये जानता हूँ कि आप लोग भी कठिन परिस्थिति में यहाँ पर लगातार पिछले जिस दिन से ये आपदा की स्थिति बनी है आप सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी को दिखा भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियां सारे लोग अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से मतलब कि कितनी वहां पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है, और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं, सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा कि आपको मैंने बोला कि पांचों जो ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन है, जितने भी हमारे पास रास्ते हो सकते हैं उन तक पहुंचने के, उनको बाहर निकालने के, उन सभी पर काम होगा। देखिए, सारे ही संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं, और जो संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है, जैसे प्लाज्मा कटर यहाँ पर नहीं था, प्लाज्मा कटर तत्काल मंगाया गया है, अन्य भी जो संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है, चाहे अन्य टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ रही है, सभी यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई। देखिए, ऐसा है कि हम सारी चीजों को सारी चीजें ध्यान में है, लेकिन उसके बावजूद हमारा सारा ध्यान इस पर है कि पहले हमारे जो भाई वहाँ अंदर हैं उन सबको बाहर निकाला जाए, उसमें आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। नहीं, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो है आज से ही जो है उस पर काम शुरू हो गया है। सर, ये जीपीआर जो था प्लाज्मा मिशन बनकर, सर ये जो जीपीआर कहा जा रहा था कि 5 मीटर आगे का पैसेज सेफ है, तो उसके बाद सर ये यहाँ क्यों फेल हो गया, क्यों मशीन टूट गई? और दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स हैं सर यहाँ पे, उसके बाद कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी इसमें फाइनली किसी? देखिए, मैंने क्या कहा कि ये सब बातें आप लोग सेकेंडरी हैं, सबसे पहले हमारा काम है कि सबको पहले सुरक्षित बाहर निकालें, और वो सब चीजें होंगी और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं, कोई प्रयास में अभी सारे प्रयास ऐसा। देखिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैंने आपको वो सब स्थिति बताई है, मैं आपको कोई घुमा फिरा के बातें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी मैं जानता हूँ कि बहुत चिंता है जो अंदर हमारे भाई हैं, और हम लोग सब लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैंने वो बात बताई है जो अभी वर्तमान में स्थिति है, जो टेक्निकल चीजें हैं, जो भी ड्रिलिंग से लेकर कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना क्या और प्रयास हो रहे हैं, कितना और जो है टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, विशेषज्ञों को और बुलाने की आवश्यकता है, कौन कौन इस पर काम कर रहे हैं, इस पर हमारे जो ब्रीफिंग होती है रोज की, उस ब्रीफिंग में आपको सारा विस्तार से बता दिया जाएगा।